हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धीरू फार्मा। धीरू फार्मा में आपका स्वागत है। मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धीरू फार्मा पर। तो फ्रेंड, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पिकलिन सिरप के बारे में कि यह क्यों यूज होती है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके लेने का तरीका क्या है, और बच्चों में इसका डोज कितना होता है और एडल्ट में इसका डोज कितना होता है, और किन किन लोगों को यह सिरप नहीं लेना चाहिए, किन किन लोगों को लेना चाहिए, इसकी प्राइस। पिकलिन सिरप के बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहले बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। फ्रेंड, इसके अंदर 5 mg की मात्रा में सोडियम पिकोसल्फेट पाया जाता है। तो फ्रेंड, अब बात करें इसके यूज के बारे में कि यह किस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका यूज जब किसी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत होती है और वह ठीक से फ्रेश होने नहीं जा पाता, उसे फ्रेश होने में दिक्कत आती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का स्टूल यानी कि मल बहुत हार्ड हो जाता है और वह हार्ड होने की वजह से बड़ी आंत में बहुत दिक्कत देता है। तो यह सिरप उस स्टूल को यानी कि उस मल को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। इस सिरप का यूज किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, या बच्चा हो या एडल्ट हो, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि इसका डोज एडल्ट में कितना रहेगा और बच्चों में कितना रहेगा। तो फ्रेंड, बात करें इसके डोज की, तो बच्चों में इसका डोज, जो बच्चा 1 साल से 5 साल तक की उम्र तक का है, उसके लिए इसका डोज 2.5 ml, और जो बच्चा 5 साल से 10 साल तक की उम्र तक का है उसके लिए 5 ml, और जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है उसके लिए हम 5 ml या 10 ml इसका डोज दे सकते हैं। अब एडल्ट में इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में इसका डोज 10 ml की मात्रा में दिया जाता है। बच्चों में 10 साल से, जो बच्चा 10 साल से ज़्यादा उम्र का है उसके लिए हम एडल्ट डोज दे सकते हैं। तो फ्रेंड, बात करें इसके प्राइस की, तो यह सिरप 100 ml की बोतल आपको 183 रुपये की MRP के साथ मार्केट में मिलेगी। तो फ्रेंड, प्राइस का कोई इशू नहीं है, यह किसी भी ब्रांड नाम से और किसी भी MRP के साथ आपको मार्केट में मिल सकती है, लेकिन याद रहे कि इसका ड्रग यही होना चाहिए। तो फ्रेंड, अब बात करें कि सिरप को किस तरीके से यूज में लाया जाता है, किस तरीके से इसका डोज लेना चाहिए। तो फ्रेंड, इस सिरप का उपयोग शाम को सोते समय किया जाता है, जिससे सुबह फ्रेश होने में कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड, अब बात करें कि किन लोगों को यह सिरप नहीं लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को या बच्चे को किसी भी प्रकार का बड़ी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, या बड़ी आंत में किसी प्रकार से कोई सूजन आ रही हो, या किसी प्रकार की कोई बड़ी आंत के अंदर बीमारी हो या कोई सीवियर केस हो, तो ऐसी स्थिति में इस सिरप का यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, उसके अंदर पानी की कमी आ गई है, तो ऐसी स्थिति में इस सिरप का यूज नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है या अपने बच्चे को दूध पिला रही है या कोई बच्चा छोटा है, तो ऐसी स्थिति में इस सिरप का डोज एडजस्ट करके कम मात्रा में दिया जाता है। तो फ्रेंड, अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट, पेट में दर्द, दस्त लगना, उल्टी होना, चक्कर आना, ये इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सिरप को बंद करने पर साइड इफ़ेक्ट अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो सिरप को लेना बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर सलाह लें। तो फ्रेंड, ये थी पिकलिन सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धीरू फार्मा पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।